वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक फॉर जॉइनिंग। आज का हमारा टॉपिक है आपको चीनी का इस्तेमाल जो है वो रोजाना के बेसिस पर कितना करना चाहिए, यानी आपको एक दिन में कितनी चीनी जो है वो खानी चाहिए, आज के दिन में आप ये जान पाएंगे। और इसके अलावा चीनी के इस्तेमाल से होने वाली जो बीमारी है उसके बारे में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करने से आपको हमारी खाने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। की तरफ करते हैं फ्रेंड्स, के तहकीक के मुताबिक मर्दों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा 9 चाय के चम्मच जो है वो चीनी इस्तेमाल करनी चाहिए एक दिन में, जो कि 37.5 ग्राम बनती है, यानी इतना ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे आप चाय में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी डिश में या ऐसी डिश खा रहे हैं जो कि मीठी है, यानी आपको 9 चाय के चम्मच जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जो भी आप डिश इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई अगर कोई मीठी डिश खा रहे हैं तो उसको आपको कितनी मकदार में खाना चाहिए ये आपको पहले से ही चेक करना चाहिए कि आपको कितना इसको खाना चाहिए। ये 9 चाय के चम्मच चीनी जो है वो आपको 150 कैलोरीज देती है, मुहैया करती है। इसके अलावा औरतों को चीनी के ज्यादा से ज्यादा जो है आप 6 चम्मच जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में, जो कि 25 ग्राम बनती है, ये आपको 100 कैलोरीज मुहैया करती है, 100 हरारे मुहैया करती है। इसके अलावा चीनी के बारे में अक्सर हम लोगों से ये कहते सुनते हैं कि भाई चीनी को कम इस्तेमाल कीजिए, चाहे बड़े हों छोटे हो या फिर कोई डायबिटीज का मरीज हो, फिर अक्सर इनको मशवरा दिया जाता है कि चीनी का इस्तेमाल कम किया जाए, लेकिन हम भी इंसान है, इन चीजों के बगैर टेस्ट के बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल यकीनन हमारी सेहत के लिए खतरा है। शक्कर जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें कोई भी गजाई अज्जा जो है वो मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे निजाम इन्हजाम हजम करने के निजाम पर जो है वो असर पड़ता है। अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे बात जो देखने में या ऑब्जर्व करने में आती है कि चीनी का इस्तेमाल करने वाले लोग जो है वो मोटापे का शिकार जल्द हो जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज जो है उसका खतरा भी बढ़ जाता है अगर आप चीनी का इस्तेमाल जो है ज्यादा करते हैं। इसके अलावा चीनी के इस्तेमाल से दिल के अमराज का इंसान शिकार होता है, यानी इसका इस्तेमाल जो है आप पर डिपेंड करता है, यानी अगर आपको अपनी सेहत प्यारी है तो यकीनन आप इसका इस्तेमाल कम करेंगे, जो कि यकीनन आपको ज्यादा नुकसान से बचा सकती है। इसके अलावा ऐसी चीजें गजाएं जो कि बाजार से मिलती है, प्रिजर्व फूड जो होते हैं या बेकरी की जो चीजें होती हैं, इनमें इस्तेमाल होने वाली शक्कर जो है वो ज्यादा इंसान की सेहत के लिए खतरनाक है, तो इसलिए टेस्ट के खातिर जायका बदलने के लिए जरूर खाएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं खाएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है या आपके लिए मुख्तलिफ डिजीजेस की वजह बनता है, इसलिए आप चीनी का इस्तेमाल कम कीजिए। इसका मुतबादल अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप अपनी गजा में फल सब्जियां इस्तेमाल जरूर कीजिए, जो कि जिस्म को शक्कर चीनी शुगर मुहैया करने का एक कुदरती जरिया है, इनको अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा, मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स हम एक साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इंफॉर्मेटिव बात पता चलती है, मालूमती बात पता चलती है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।